प्रगति आप ठीक कह रहे हैं और देखिए आरएमएल हॉस्पिटल के सामने मैं मौजूद हूं और तमाम जो डॉक्टर्स हैं यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। आप मैम, हमारी सिंपल सी तीन मांगे हैं कि जल्दी से जल्दी सीबीआई इस केस की जांच स्टार्ट करे ताकि एक पारदर्शिता बनी रहे जांच से। दूसरा कि ऐसा जल्दी से जल्दी जो पूरा एक बार इधर से जाना चाहेंगे और डॉक्टर्स से बात करना चाहेंगे उनके बीच जाके, क्योंकि देखिए ये लोग लगातार यहां से मार्च कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एनएचआरसी ने भी इसका संज्ञान लिया है और एनएचआरसी ने संज्ञान लिया, दो हफ्ते में जवाब भी मांग रहा है। एक बार इनके पास जाएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी क्या मांगे, क्योंकि सुबह से ही ये लोग प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। कल भी हमने देखा था इनकी कई मांगे, लेडीज डॉक्टर तो है ही हैं बल्कि मेल्स भी यहाँ पर हैं। एक बार बात करेंगे आप यहाँ पर लगातार मैं देख रही हूँ सुबह से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यस मैम, आई एम अ सीनियर रेजिडेंट इन दिस हॉस्पिटल मैम फ्रॉम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। मैम सिचुएशन बहुत ही ख़राब है यहाँ पे, लेडी डॉक्टर्स की सेफ्टी को लेकर के इतना बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है जो कि बहुत ही बेसिक नीड है किसी भी लेडी डॉक्टर के लिए, वेदर शी इज अ जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट, फैकल्टी। एनएचआरसी ने संज्ञान लिया है, दो हफ्ते में रिपोर्ट बिल्कुल आनी चाहिए, जल्द से जल्द आनी चाहिए रिपोर्ट। हाँ जी, और भी लोग हैं उनसे बात करने की, डॉक्टर्स हैं यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि फीमेल डॉक्टर्स भी हैं। देखिए उनसे बात करते हैं, आप क्या कहें? आई प्रोटेस्ट, हाँ जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या चाहते हैं, क्या मांगे? मांगे हमारी ये है कि सबको सुरक्षा प्रोवाइड करी जाए, जो भी महिला डॉक्टर्स हैं रात को ड्यूटी के लिए जाती हैं तो उनके लिए पूरा सुरक्षित माहौल हो। ठीक है, और भी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार ये देखिए तख्तियाँ इनके हाथ में है, रेस्पेक्ट द व्हाइट कोट्स, यहाँ पर ये तख्तियाँ हाथ में लेकर, यहाँ पर पोस्टर्स हाथ में लेकर ये प्रोटेस्ट कर रही हैं। एक बार मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या कहेंगे, आपके स्टेथोस्कोप भी उनके गले में है, क्या कहेंगे? I want all the measures to be taken for the safety of our betterment and for our future and so that जो ये अभी incident हुआ है इसके बाद ऐसा कुछ repeat ना हो उसके लिए सारे measures लिए जाएँ, सारे जितने भी facility जहाँ नहीं है, अब starting from जो center, जो बड़े hospital हैं और जो साथ में छोटे hospital हैं, सब में वो सारी facilities दी जाएँ और ये जो सेफ्टी जिसको लोग लाइटली लेते हैं, जिनको अभी तक ये कंसर्न ही नहीं था किसी का कि हॉस्पिटल के अंदर भी स्टाफ की सेफ्टी के लिए इशू होगा, उस पर ध्यान दिया जाए। अच्छा, पहले गिरफ्तारी हो गई आरोपी की, उसके बाद अब एनएचआरसी ने भी संज्ञान लिया है, दो हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है, इससे आप सेटिस्फाइड हैं? वी वॉन्ट इनी शुरू से ही सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि सीबीआई उस टाइम पे आती है जब कुछ ना रिसोर्सेज रहते हैं, सब कुछ मिसमैनेज कर दिया जाता है, उस पर भी वो कहाँ, वो वहाँ नहीं कर पाएंगे। सो स्टार्टिंग से ही तो ये तस्वीरें लगातार ग्राउंड से आपको दिखा रहे हैं, हमारे दो सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। इस बीच शुभेंदु अधिकारी का क्या कुछ कहना है वो भी जरा सुन लीजिए। किसान पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पहले अंतिम कार्रवाई कर दिया, यूडी केस मीन्स What is this? Suicide? Accidental? What is this? This is a brutal murder after gang rape. Not only one person, multiple number of goons. कौन हो सकते दादा, इनके बड़े कौन है, कोई जिसको छुपाने की कोशिश? कौन है वो तो पता करेगा जांच एजेंसी। इसका पीछे सीधा सीधा डॉक्टर संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, कमिश्नर विनीत गोयल है और इनका ऊपर है ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर एज वेल एज हेल्थ मिनिस्टर। ये कॉल होना चाहिए, जनता का कॉल होना चाहिए, स्टूडेंट का कॉल होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को एक दिन का अंदर रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, नहीं तो मार्च टू नवान्नो विदाउट एनी फ्लैग ए रेवोल्यूशन बंगाल में होना चाहिए। एज ए सिटीजन ऑफ द बंगाल आई एम रेडी टू पार्टिसिपेट दिस प्रोग्राम। हम लोग पहले दिन से है, मुझे आरजी कोर में घुसने नहीं दे रहा है, मेरा पीएस प्राइवेट सेक्रेटरी ने पहले ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को चिट्ठी भेजा, काल में चीफ सेक्रेटरी हेल्थ सेक्रेटरी के दे आर नॉट रेस्पॉन्डेंट, दे नॉट रेस्पॉन्डेंट, पूरा दुर्ग बना दिया आरजी कोर को, पॉलिटिकल आदमी, सोशल वर्कर, लॉयर्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को अंदर नहीं जाने दे रहा है, सब पार्टी का, सब एनजीओ का, सब लॉयर का, किसी को भी वहां जाने नहीं दे रहा है, पूरा घेराबंदी करके रखा है, सच सामने ना आए इसके लिए ए टीएमसी गवर्नमेंट और उनका जो
विंग्स है, उनका कोशिश है। एक और बड़ी खबर बताया, एनएचआरसी ने कोलकाता रेप मर्डर केस का संज्ञान लिया है। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को नोटिस इसको लेकर दिया है। 2 हफ्ते में मामले की जानकारी मांगी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां एनएचआरसी ने संज्ञान लेकर जवाब मांगा है। 2 हफ्ते का वक्त दिया है जिसमें जवाब देना होगा। पूरे मामले की जानकारी मांगी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरह के हालात हैं, प्रश्न हर तरफ से उठ रहे हैं, ऐसे में एनएचआरसी ने कोलकाता रेप मर्डर केस का संज्ञान लेते हुए जवाब मांगा है। और चलिए लगातार हमारे साथ हमारी दोनों सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं। शिखा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कोमल भी हमारे साथ बनी हुई हैं। कोमल, आपका रुख करना चाहूंगी, तस्वीरें आप दिखा रही थी, लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेगा, क्या कुछ मांगे हैं उनकी? कोमल, ये भी बताइए उनको कि एनएचआरसी ने, ह्यूमन राइट्स ने उनका संज्ञान ले लिया है, उनकी बातें सुन रहे हैं सब। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, रेसिडेंट डॉक्टर हैं, महिलाएं हैं, लेकिन देखिए अब देखिए संज्ञान जो है ये ले लिया गया है। यस, सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान ले लिया गया है एक महिला, क्या लग रहा है, न्याय मिल पाएगा? होपफुली मिलना तो चाहिए। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ आर, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ एवरी पर्सन, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, वी नीड जस्टिस ओनली। तो देखिए जस्टिस चाहिए, मांग चाहिए, इन्हें लग रहा है कि सरकार ने चूंकि संज्ञान में लिया है तो इनको उम्मीद लग रही है कि कहीं ना कहीं देखिए इन्हें न्याय जरूर मिलेगी। लेकिन उसकी देखिए बात करें तो महिलाओं की बात करें या पुरुष डॉक्टर्स की बात करें, भारी तादाद में ये यहाँ पे बैठे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साइलेंट इनका प्रोटेस्ट है, ह्यूमन चेन बनाया है। और देखिए गेट नंबर 3 से ये निकले थे और 1 से अभी अंदर कैंपस की ओर जा रहे हैं। साथ ही साथ इनका यही कहना है कि जितनी ओपीडी सर्विसेज वगैरह हैं फिलहाल उसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा ओपीडी सर्विसेज को। बिल्कुल कोमल, आप तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं, लेकिन मैं भी यहां से तस्वीरें दिखा रही हूं। देखिए किस तरीके से यहां पर लोग जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और उनको जो महिला डॉक्टर्स हैं उनकी सिक्योरिटी भी मुहैया कराई जानी चाहिए। लगातार एक एक तस्वीर आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे योगी की दहाड़ सदा बनेगी नजीर। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब बात करेंगे डॉक्टर्स की, क्योंकि डॉक्टर्स में गुस्सा है, उबाल है और नाराजगी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया जाता है, उसकी हत्या, पूरे मामले में आक्रोश दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बंगाल सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश मिल गया है। मामले में हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस से केस डायरी तलब की है। आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष के इस्तीफे की कॉपी तक मांगी है, अस्पताल के नए प्रिंसिपल का नियुक्ति पत्र मांगा है। जांच में कुछ कमी लग रही है ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है। क्या संदीप घोष का बयान लिया था, ये सवाल भी पूछा है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जहां एनसीडब्ल्यू की टीम ने यहां अस्पताल का दौरा किया। दरअसल अस्पताल के अंदर ही इस डॉक्टर की मौत हुई थी, हत्या की गई थी। उसके बाद अब जांच के लिए एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंची है और अस्पताल का दौरा किया है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अस्पताल के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, जिम्मेदारी कौन लेगा, इसको लेकर सवाल बना हुआ है। ऐसे में आरजी के अस्पताल में घटनास्थल का जायजा किया है, लिया है एनसीडब्ल्यू की टीम ने, जानकारियां जुटाने की कोशिश की है कि किन हालातों में यहाँ डॉक्टर्स काम करते हैं। मैंने आप लोगों को कहा कि सिक्योरिटी लैप्स है तो वो है वो मैंने देखा है। सीसीटीवी कैमरा कुछ नहीं है वहाँ पर, एक ही है जो आप सबके सामने भी आ चुका है। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, ममता सरकार पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता सीबीआई जांच से क्यों घबरा रही हैं, बीजेपी ने पूछा, सवाल किया। प्रियंका वाड्रा के होठ सिल गए हैं इस मामले में, कुछ भी टिप्पणी नहीं की गई है। इनकी मोहब्बत आतंकियों के लिए है ये कहा गया प्रेस ब्रीफिंग के दौरान। बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है ममता सरकार पर सवाल उठाते हुए कि पूरे मामले में चुप क्यों है, सीबीआई जांच से क्यों घबरा रही है।